नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बर्फबारी अब कहर बनकर बरस रही है। जो यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार तीसरे दिन बंद है। ये भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से तीसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद रखा गया है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दिया जाए, लगातार भारी बारिश हो रही है जम्मू कश्मीर, हर जगह बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको ये बता दिया जाए कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार तीसरे दिन भी बंद है। ये बंद होने की वजह भारी बर्फबारी, बारिश और लैंडस्लाइडिंग है। इसी खबर पर ताजा जानकारी हासिल करने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता शुभम अंतल का। शुभम, इस वक्त अपडेट क्या है आपके पास? हम आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तीसरे दिन भी पूरी तरह से बंद है। जगह जगह भीड़ हो रहा है, बर्फबारी का भी कहर जो है बरस रहा है, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो तीसरे दिन भी बंद है। जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है वो लगातार तीसरे दिन बंद है, और ये वजह जो है भारी बर्फबारी और जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है वो है। और भी खबर ये भी आ रही है कि जो बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, इसकी वजह से स्कूलों को भी बंद किया गया है। जी, हम आपको बता दें कि रामबन जिला के जो है सभी स्कूलों को जो है बंद कर दिया गया है। आज सुबह जो है डीसी रामबन मोहम्मद अजाज ने जो है जो डायरेक्शन दिए हैं, जो सीवी रामबन है उसको कहा कि जितने भी स्कूल है उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि मौसम जो है काफी ज्यादा खराब हुआ है, बर्फबारी हो रही, बारिश हो रही है, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो, इसलिए सभी स्कूलों को जो है बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। लैंडस्लाइडिंग भी हुई है शुभम? जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे हाईवे भी जो पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ये हाईवे जो प्रभावित हुआ है, क्या कब से बंद है? ये लगातार तीसरा दिन है जब बंद है। अब किस तरह से जो पत्थर गिरे हैं, जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, उसको सही किया जा रहा है, बहाल करने की कोशिश किस हद तक की जा रही है नेशनल हाईवे को? जी, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए जो है प्रशासन पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन मौसम जो है साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन भी जो है अपनी तरफ से लेकिन बात की जाए शुभम, अगर आपकी लोगों से बातचीत हुई हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग में फंस गए होंगे, जिनको श्रीनगर जाना होगा, किसी को श्रीनगर से जम्मू आना होगा, तो उनका क्या कुछ कहना है, उनके लिए क्या कुछ सुविधा दे रखी है, या फिर उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? शुभम, हम आपको बता दें कि इस वक्त जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों गाड़ियां जो फंसी हुई है, जैसे कि नगरोटा के क्षेत्र में भी सैकड़ों ट्रक जो है फंसे हुए हैं, छोटी गाड़ी फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो काजीगुंड की उस तरफ जो श्रीनगर वाली साइड भी गाड़ी फंसी हुई है, जिनको जम्मू की ओर आ रहा है, बल्कि रास्ता जो खराब होने की वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें जो आगे जाने की तब अनुमति दी जाएगी जब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिल्कुल। अब प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, प्रशासन किस तरह से काम, प्रशासन की तरफ से जो है कंपनीज को डायरेक्शन दी गई है, जो ऑनलाइन सड़क परियोजना में जो काम कर रहे हैं, उनको कहा कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए, ताकि मुसाफिर जो है अपने अपनी मंजिल की ओर रुक कर सके। शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारी बर्फबारी जो हो रही है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, इसकी वजह से अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पर लोग फंस गए हैं, क्योंकि वो बंद है। अब जिनको जम्मू से श्रीनगर जाना है वो बीच में फंस चुके हैं, श्रीनगर से जम्मू आना है वो फंस चुके हैं, उनके लिए प्रशासन जो है हालांकि मुस्तैदी दिखा रहा है, जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौसम की जो मार है, बर्फबारी बारिश है, वो साथ नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर आपको ये बता दिया जाए, लगातार प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की कोशिश जारी है, और मौसम खुलते ही कोशिश, इनफैक्ट कहा जा सकता है कि हाँ, इस नेशनल हाईवे को खोल दिया जा सकता है, बस मौसम जो है वो साथ दे रही है।